ये कार्ड बता रहे हैं, आप इनके कार्ड को वैलिड नहीं मानते हैं। आप इनके कार्ड को वैलिड नहीं मानते। ऑन ड्यूटी ड्रेस में। ऑन ड्यूटी मतलब क्या है? आप क्या, वो पूरा दिन यूनिफॉर्म पहनेगा? अगर वो यहाँ से जा रहा है, आप उनको कार्ड का मैन्यू, आप वैल्यू नहीं रखते उनके कार्ड की? नहीं, आप उनके कार्ड की वैल्यू नहीं रखते। सबसे पहले तो ये वाला जो है, यही तो बोला है आर्मी वालों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है आपका। बोर्ड भी क्या कुछ और कहता है? आइए मैं आपको बोर्ड दिखाती हूँ आपका, यहाँ पे का बोर्ड। आइए आइए ना, आइए आइए, आपको आपका बोर्ड दिखाते हैं। भैया कितने पैसे काट रहे हैं आपसे? 140 रुपए। 140 रुपए पर्ची है क्या आपके पास में? इन्होंने पर्ची दी आपको? नहीं, अभी नहीं दी है। आप इनको पर्ची तो दीजिए 140 रुपए की। 140 रुपए की पर्ची तो दीजिए। वीडियो को बना रहे हो? नहीं, आप मुझे एक बार बताइए, सब 70 रुपए वहाँ पे लिखी, आप इनसे 140 रुपए क्यों काट रहे हैं? फास्टैग की उस पर लिखा तो है नहीं, चीज का लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है। आप 140 रुपए कैसे काट सकते हैं? फास्टैग वगैरह 140 रुपए प्लेन की, आने के और जाने के। सिंगल 140। सिंगल 140 रुपए, फास्टैग में 70 रुपए। कितनी देर आप रोक रहे हैं गाड़ी को? मैं जब से देख रही हूँ आप गाड़ियों को लगातार काफी देर तक रोक रहे हैं। अब काफी देर तक गाड़ियों को रोक रहे हैं, देखिए सिर्फ 30 सेकंड तक गाड़ी को रोक सकते हैं। आप कितनी कितनी देर तक यहाँ पे गाड़ियों को रोक रहे हैं? वो फिर गलती आपकी है, गलती तो आपकी है। अगर 30 सेकंड ज्यादा रुकते हैं, आपने गाड़ी को फ्री जाने देना है, ये आपका रूल है। आप पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोगों को रोक रहे हैं? क्या लिखे? पैरामिलिट्री के फोर्सेस को आप वहाँ पर देखिए, बोर्ड पे लिखा है पैरामिलिट्री के फोर्सेस को, आर्मी के लोगों को आपको जाने देना है, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। केंद्रीय और राज्य के शस्त्र बल, मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पैरामिलिट्री फोर्स जो ऑन ड्यूटी वर्दी में होगी उनको छूट है। ऑन ड्यूटी जिनके पास, जिनके पास उनका कार्ड भी है उनको भी छूट होती है। आप कौन से नए रूल्स निकाल रहे हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या वर्दी पहन के बिना पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं होती है? ये फाइन है। नहीं नहीं, आप जो पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स नहीं रहती है, वर्दी पहन के पैरामिलिट्री फोर्सेज क्यों हो सकते हैं? पैरामिलिट्री फोर्सेज कौन हो सकते हैं? कौन पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में आता है? क्या यूनिफॉर्म पहने वाला ही आता है या नहीं आता? कार्ड है, कार्ड है। आप उसको छोड़िए, आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप ये बताइए, आपके पास कार्ड है? मेरे पास कार्ड भी है, सब कुछ है। आप मुझे ये बताइए, ये पैरामिलिट्री फोर्स कौन कौन हो सकता है पैरामिलिट्री फोर्स का? आर्मी में आता, लेकिन उसके लिए उनको बार बार रोका जा रहा है, उनसे पैसे काटे जा रहे हैं, रोज रोज उनसे पैसे पैसे मांगे जा रहे हैं। पहला पैरा मेरे को फाइल दिखा रहे हैं, किसी का साइन नहीं है, किसी के भी, क्या कह रहे हो? किसी के साइन नहीं है, सिग्नेचर होता है मतलब जो आरटीओ ने अथॉराइज कर रखा है, निकाल के देती है, गवर्नमेंट निकाल के देती है तो साइन तो होंगे ना। पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को अलाउ होता है? पैरामिलिट्री फोर्सेस को छूट नहीं है, ओनली वर्दी। वर्दी अभी घर में जाना होगा तो वर्दी पहन के रखेगा? अरे उसको छोड़ो ना, साइन दिखाना। देखिए यहाँ पे एक अलग ही नया रूल बना रखा है, जिस रूल के तहत में आपको, अरे बस छोड़ना, मेरे को साइन दिखा दे। क्या लिखा है देखिए, ये तो लिखा नहीं, छूट नहीं है, वर्दीधारी हो, वर्दीधारी लगा हुआ। और आपको पता है आर्मी, आर्मी के लोगों को, पैरामिलिट्री के फोर्सेस को वैसे भी रिटायरमेंट के बाद भी वो टोल नहीं दे सकते हैं। आप कौन से ऐसे रूल जा रहे हैं? आप कौन से रूल निकाल रहे हैं? आप मुझे बताइए कौन से ऐसे रूल निकाल रहे हैं? इनके पास तो कार्ड है, इनकी बीवी कार्ड दिखा रही है, इनकी बीवी तो कार्ड दिखा रही है कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे हैं। आप उनसे कैसे पैसे ले सकते हैं? आप कौन सा रूल निकाल रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप अपना रूल बताइए जिसमें आप ये कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदों को फ्री में नहीं आप भेज सकते। आप मुझे रूल बताइए, आप मुझे रूल बताइए। आपको लगता है ये ड्यूटी पे नहीं है कार्ड जो इनका वैलिड नहीं है? आप इनके कार्ड को वैलिड ही नहीं मानते हैं। ऑन ड्यूटी ओनली ड्रेस। ये कार्ड बता रहे हैं, आप इनके कार्ड को वैलिड नहीं मानते हैं। आप इनके कार्ड को वैलिड नहीं मानते हैं। ऑन ड्यूटी ड्रेस में। ऑन ड्यूटी मतलब क्या है? आप क्या, वो पूरा दिन यूनिफॉर्म पहनेगा? अगर वो यहाँ से जा रहा है, आप उनको कार्ड का मैन्यू, आप वैल्यू नहीं रखते उनके कार्ड की? नहीं, आप उनके कार्ड की वैल्यू नहीं रखते। सबसे पहले तो ये वाला जो है, यही तो बोला है आर्मी वालों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है आपका। बोर्ड भी क्या कुछ और कहता है? आइए मैं आपको बोर्ड दिखाती हूँ आपका, यहाँ पे का बोर्ड। आइए आइए ना, आइए आइए, आपको आपका बोर्ड दिखाते हैं। आइए, एक तो 70 का 140 रुपए काटते हैं, सो अलग वो ये ना, 70 का 140 रुपए काटते हैं, 30 सेकंड का के बाद भी आप लोगों को यहाँ पे रोकते रखते हैं। हम कब से नोटिस कर रहे हैं, 5-5 मिनट आप यहाँ पे रोक रहे हैं गाड़ियों को। आप मुझे बताइए कैसे इस तरह से कर रहे हैं, कौन सा रूल निकाल रहे हैं नया? आप आइए आइए, वहाँ पे अपना रूल पढ़िए।
यहाँ पे क्या रूल कहते हैं क्या? आप शायद पहले यहाँ पे रूल नहीं पढ़ते हैं, आप यहाँ पे रूल नहीं पढ़ते हैं। कौन के कौन से रूल के साथ आप चल रहे हैं यहाँ पे स्रोर टोल प्लाजा में? अच्छा तो मेरी ड्यूटी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ड्यूटी से आपको कोई वो नहीं करेगा। बिना कोई बात यहाँ पर ये है, स्रोर टोल प्लाजा में कुछ अपनी धांधलियां चल रही हैं जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप पेनल्टी इस बात की लगा रहे हैं 70 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो पेनल्टी इस बात की भी लगाइए कि फास्टैग के गाड़ी होने के बाद भी 30 सेकंड के बाद उसकी गाड़ी को छूट देना चाहिए, पर आप यहाँ पे छोड़ नहीं पा रहे। आपको क्या परेशानी आ गई यहाँ पे? मैम हम इधर बड़ी ब्राह्मणा तहसील है, डिस्ट्रिक्ट सांबा है। हमसे भी लेते हैं हर महीने 285 रुपए चार्ज करते हैं। किस बात का? आप तो यहीं के निवासी हुए? जहाँ के बोलते हैं आपका कठुआ नंबर है। हम जब हमने गाड़ी ली थी तब ये सांबा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था। हाँ। तो उसके बाद ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट होता था। हाँ। तो हमने कठुआ नंबर गाड़ी ली। एड्रेस हमारा तहसील बड़ी ब्राह्मणा है, डिस्ट्रिक्ट सांबा है। हाँ। और गाँव मेरा बड़ोई है पटली मोड़ के नीचे, आधा किलोमीटर। फिर भी 285 रुपए हमसे लेते हैं हर महीने। जे 285 रुपए आप आधार कार्ड में दिखाते हैं इनको? सब कुछ साथ लगाया है, इनके साथ लगाया है। फिर भी पैसे काटते हैं? फिर भी काटते हैं। बोलते हैं नहीं है ये आपका कठुआ नंबर है, मगर मैंने बोला कि वो पिताजी का नाम ट्रांसफर हुई है बड़ी ब्राह्मणा तहसील सांबा है हमारी, जहाँ के रहने वाले हैं। नहीं नहीं, फिर भी लगेगा 285। आपने कहीं ऊपर अधिकारी को बताने की कोशिश की, डीसी तब तक बताने की कोशिश की? मैं बोलते हैं लगेगा जी, तो हमने तो नहीं किए, मगर जी बोलते हैं लगेगा 285 तो लगेगा। बहुत बार इनसे बोला है और हर महीने देते हैं हम 285 रुपए और रिचार्ज होता है, फिर गाड़ी जाती है हमारी, जहाँ के रहने वाले हैं हम लोकल हैं। पिछली बार की धांधली जो हमने आपको बताने की कोशिश की, आज बिल्कुल क्लियर कट दिखा रही थी। एक और, जहां पर देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को पैसे देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि पेनल्टी भैया हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, 140 रुपए काट रहे हैं। चलिए ठीक है, पर यहाँ पर कई लोग हमें वो भी दिखे जो ये बात कहते हुए नजर आए कि फास्टैग हम यहाँ से चले जाते हैं तो वो भी एक्स्ट्रा पैसे काटते, और उसके बाद जवाब देने की बारी आई तो यहाँ से चले गए। अब आपको उस बोर्ड में जो पिछली बार हमने आपको दिखाने की कोशिश की, उस बोर्ड में बता दे, उस बोर्ड की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी ये कहा गया है कि भैया पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्मी के लोगों को, पुलिस के लोगों को आपको फ्री देना ही देना होगा, आपको कोई भी रोक नहीं होगा अगर उसके पास कार्ड हो। बकायदा उनकी बीवी कार्ड दिखा रही है कि देखिए हम रोज यहाँ से गुजरते हैं, मेरे पति की जॉब वहीं पर है, हम यहाँ से गुजर रहे हैं, पर वहां पर भी उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं, कौन पैसे मांग रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है, यही एक कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। और नितिन गडकरी जो द्वारा ये बात जो कही गई है कि लगभग 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, और लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं स्रोत टोल प्लाजा की कि इसको हटना चाहिए। पिछली बार की अगर सरकार की अगर मैं बात करूं तो उसमें गंगा और ऐसे कई एमएलए जैसे एमएलए थे वो रहे थे जिन्होंने इस टोल प्लाजा को तोड़ा। आज बात ये आ गई है कि ये लोग लगातार धांधलियों पर धांधलियां कर रहे हैं जो बिल्कुल सामने आज लोगों की जुबानी आपके सामने नजर आई, जो यहीं के रहने वाले हैं, अपना आधार कार्ड दिखाते हैं और उसके बाद भी उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं। यानी कि यहाँ के लोगों की तो परेशानी है ही है, बल्कि जो आने जाने वाले और लोग हैं वो भी इन टोल प्लाजा पे परेशानियां झेल रहे हैं। कोई भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं और उसके बाद भी लोग परेशान हो रहे हैं, तो आखिरकार वो टोल प्लाजा किस बात का दे, सिर्फ अपने आप को परेशानियों में डालने का? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।